आज का हमारा टॉपिक है ईरानियन एथलीट हु कम्पीटेड विदाउट हिजाब गेट्स हीरोज वेलकम। मीस ईरान में ये जो एथलीट थी जिनका नाम एलनास रकेबी है, ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन में गई थी सियोल में, मीन साउथ कोरिया के कैपिटल में एक कंपटीशन हुआ था। वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट करा बिना हेडस्कार्फ पहने, मीन बिना हिजाब पहने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा। काफी बड़ी बात मानी जा रही है, काफी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स है जिसने से एक्सटेंसिवली कवर करा है ईरान अन्नास रकेबी हु कम्पीटेड विदाउट हिजाब इन तेहरान। सो इतना बड़ी ये बात क्यों मानी जा रही है? आपने सुना ही होगा हाल ही में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में हिजाब को लेके, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिकॉज जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसे इस्लामिक कानून बना दिए गए थे ईरान में, जिसमें एक कानून ये भी था कि सारी वुमेन्स को ईरान में हेडस्कार्फ मतलब हिजाब पहनना कंपल्सरी है। सो अभी तक जितने भी इवेंट्स होते थे, चाहे वो ओलंपिक्स क्यों ना हो, ईरान की वुमेन को हिजाब पहनना कंपलसरी था। बट अभी जो प्रेजेंट में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए अल्लास रकेबी ने वहां पर हेडस्कार्फ नहीं पहना। और इसके बाद ये खबर आई, जब इनका ये इवेंट कंप्लीट हो गया था, इसके बाद ये खबर आई कि अल्लास मिसिंग है, अल्लास को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। बट इसके बाद वो खुद सोशल मीडिया पे उनने इसकी क्लियरिटी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पीसफुली तेहरान में आई जहां पर उनको हीरोइक वेलकम मिला। कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अल्लास को अभी गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस लॉ को वायलेट करा है जो 1979 के बाद ईरान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।